मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर और गुना में हुए तीन हादसे, 16 मजदूरों की इनमें जान चली गई। हम आपको तीन तस्वीरें दिखाएंगे कैसे इन तीनों जगहों पर ये देर रात हुए हादसे हुए हैं, जिसमें पंजाब से पैदल बिहार जा रहे करीब 10 से ज्यादा मजदूरों को रोडवेज की एक बस ने कुचल दिया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतकों के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम अब किया जाएगा। पुलिस ने मौके पर बस को भी कब्जे में ले लिया है। एक अन्य हादसा एमपी के गुना में हुआ है, कंटेनर और बस की टक्कर में यहां 8 मजदूरों की जान चली गई है। हादसे में 55 मजदूर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कंटेनर में सवार ये सभी मजदूर अपने गांव लौट रहे थे। घटनास्थल से कंटेनर का ड्राइवर फरार हो गया है। कंटेनर पर सवार मजदूर महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे। गुना में कैंट थाना क्षेत्र के बाईपास पर यह हादसा देर रात 2:30 बजे के आसपास हुआ। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौक के पास बस और ट्रक की टक्कर में 2 की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ एमपी से ही जुड़ गए हैं। ये रवीश, दरअसल जो हादसा हुआ है वाकई अफसोसनाक, और अभी क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है, कितने जख्मी हैं, कितने लोग मारे गए हैं? देखिए, आपको बताया नेहा कि इसमें 8 लोग जो है वो इस हादसे में मारे गए हैं। फिलहाल 54 मजदूर ऐसे हैं जो अभी जख्मी हैं। हालांकि इनमें से 3 ऐसे मजदूर हैं जिनकी हालत गंभीर है, और जिस तरीके से इनकी स्थिति अभी बनी हुई है, ये मान के चला जा रहा है कि शायद 1 या 2 और संख्या जो है मृतकों की वो बढ़ सकती है, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। कुछ सुधार इनकी सेहत में फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है कल रात के बाद से। दूसरी तरफ आपको बताएं कि ये इस तरीके के हादसे जो है इसकी संभावना शुरू से ही बनी हुई थी, क्योंकि नेशनल हाईवे पे जिस तरीके से मजदूरों का रेला इन दिनों मध्य प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश से होकर के ही तमाम मजदूर बिहार और राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र और गुजरात से दाखिल होते हैं मध्य प्रदेश की सीमा में, और इसी वजह से फिलहाल सड़कों पर पैदल चलने वाले मजदूर या फिर ऐसी छोटी छोटी जो पिकअप और लोडिंग वाहन होते हैं उनमें बैठ कर मजदूर जो है वो अपने अपने राज्यों की ओर जा रहे हैं। और इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया था मध्य प्रदेश की, इन मजदूरों को पैदल ना चलाते हुए और इन ट्रकों और लोडिंग वाहनों में न भेजते हुए बसों की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये बसों की व्यवस्था कर दी गई होती तो शायद ये मजदूर इस टैंकर में बैठ करके ना जाते, कंटेनर में बैठ कर ना जाते और इस तरह के हादसे का शिकार नहीं होते। तो सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर जो इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी हैं, यही वजह है कि अपने अपने साधन से मजदूर घर वापसी को मजबूर हैं। वहीं मुजफ्फरनगर की बात कर ले तो यहां पर भी बस ने मजदूरों को कुचल दिया है। मुजफ्फरनगर में देर रात हुए हादसे में 6 मजदूरों की जान चली गई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, बिहार की तस्वीर है समस्तीपुर की, जहां पर ये बस टकरा गई है। सुजीत झा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या डिटेल्स हैं इस हादसे के बारे में, कितने लोगों की जान गई है? देखिए नेहा, इस हादसे में 2 लोगों की जान गई है, जिसमें से एक मजदूर है और दूसरा बस का ड्राइवर है। ये बताया जा रहा है कि ये मजदूर जो है वो मुंबई से मुजफ्फरपुर आए थे, श्रमिक ट्रेन जो चलती है उस ट्रेन से, और वहां से बस में भर के इन्हें कटिहार ले जाया जा रहा था। तभी समस्तीपुर के उजियारपुर में ट्रक से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बस के ड्राइवर की भी मौत हो गई और एक मजदूर की भी मौत हुई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और करीब उसमें 32 लोग सवार थे बस में, लगभग सभी को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, सबका इलाज समस्तीपुर के सदर अस्पताल में चल रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर से कटिहार की दूरी काफी है, लेकिन जो ट्रेनें आ रही है, जो श्रमिक ट्रेन आ रही है, उसमें मजदूर कहीं के मजदूर कहीं रहे, जिससे उनको वहां तक पहुंचाना काफी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। समस्तीपुर की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, किस तरीके से ये ट्रक और बस दोनों क्षतिग्रस्त हुए हैं इस हादसे में, और चश्मदीद का क्या कहना है सुनिए। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, कटिहार जिला। हम लोग मुंबई से आ रहे थे, मुंबई से आ रहे मुजफ्फरपुर में उतरे, उसके बाद हम लोग कटिहार के लिए रवाना हुए, आते आते ये जगह घटना हुई। कितने आदमी बस में सवार थे? बस में हम लोग एक टीम का 27 आदमी थे, बाकी 4 या 5 और था दूसरे गाँव में। इसमें मरे कितने? मरे एक मेरा भाई है और ड्राइवर है।